आज दा करमाली वादा है हुन आज जांदा अपना काम ते त्रा छुट्टियां कीतियां तिन पता चौधरी बंदा भी हो और मैं जा जेंदे कोल मैं काम करे ना ते ओ मुड़ है मेरे आलू फिटी हुई है वेदा मुड़की गरीब बंदा की करे मुलाजिम जो दा हाँ मैं तो तेरे नाल गल करनी हां जी मैं खान हां जे देखो तू काम करदा है हां ओन कोई भूख तास्ता है काई ना नहीं तो दो सारे बोए मुरब्बे ते जमीन ना भी ओदे कोल है पैसा भी ओदे कोल उलाए ते मैं तू दस इतने दे दा तू ना कोई काम करदा है ते ऐसी जो एडे तंग ते जलील है तू ओन वाखन विदा है कजाई पैया च देवे ओए इस गल्लो बहु फेड़े नु देंदा रुपया भी बात तू सही आ मैनू है तो गाल बड़ी वे मगर हनेरा ही होंदा बस ओ ही है गल ही है हां ओ हनेरे वाली गल ही है हालांकि धंधा भी सह करिंदा है ते ओ आंदा बे नहीं मैं एडवांस कोई नहीं देवणा पैसा एक बारी तो गाल कर के वेख ला ओ दे नालो मैं तो आया तैयार होई बैठी हां मु कपड़े वगैरह वटाई बैठी हां मु आ वेंदा पिया कपड़े पावा दा वाल कोई ना गवाड़ियां दी छे सेली को मांग के कपड़े आंदे भाई जामा है ते पा के जावे ते कोई पैसा लिया देसे ते जासा मैं ओए मैं ये दसो मैं इतनी बिस्ती मालूम हुंदी है ना एक बंदे को शायद मंगी होने तो वो ना देवे ओए मैं खाली हाथ किवें जावा ओ नहीं तो खाली हाथ की आ जावना है पर हाले मैं आज ओदा मिन्नत तरला करदा हां बस आन कुछ पैसे दी लोड ते देओ उम्मीद तो मैनु एक आई ना ये एक बार तो गाल कर के वेख ना मैं वेदा गल करके उसने आज ओद ना गल कर ते ओनु आख भाई सानू है जरूरत बहु ते मैं तेरे कोल काम करदा ते इथू इलावा होय सी के बुआ जाके वेखिए तो ही दे मैं सानू औखे वे वेले हो गए काम ना आवे ते सानू की फायदा ओदा ओ तो तेरी गल सही है ते मैं जाना हूं को मिना तरला उन करना ये अल्लाह ईमान दियो अच्छा जी दे छड़े का छका कोई नहीं सुचिन देखो जनू बे जो गरीब आदमी नन पैसे चाहिए असि नन दे छोड़िए ओ कोई नहीं सुचिन दे बड़े रड़े चलो तू आज गाल तक आना मैं उम्मीद आए अच्छा हाँ। चलो मैं गाल कर देना ठीक है ता बेड़ा दे दा काम करदा है ते तू देख ना बंदे आ दे चौधरी को काम करदा ते इदू देख ला साडा गाय देख ला ते साडा हाल देख ला बंदे आने ने बजी में तू सिया पो ताड़ा गाय बाय भी है में उन्दा और चलो ठीक है मैं आज मिना तर लाऊं साड़े हालात तो हो जाएं जी मैं खान नहीं मैंने उम्मीद है मैंने उम्मीद है बस शायद दे छड़ ले तो मैं आज तेरा बैड़ा मुँह मेरे को नूँ भी कींदा मैं जानना हूँ बामें बीस तिकर सी दिबामें कोच कर सी मैं तो जानना हूँ मांग ले मना हूँ चलो जा हाँ तो दुआ करी मगरूं मैं दुआ कर सा अल्लाह काय के अनु कोई रहम आ जावे तेरे ते इतने दे हो गए नो ओ ना दिया नौकरियां कार कार के शोधा मेरा घर वाला थक्का पिया ओ ना आप पे कभी नहीं आख्या भाई चलो असी चार पैसे दे के ओ नु भी तो जरूरत होंदी ही है पता नहीं है की कर देन लोग अल्लाह ईमान दे उस हां भी मुंशी की बनया पैसे दा पैसे जी ले आंदे नो ओ ना बैंक के जाके थोड़े अकाउंट में जमा करा के अच्छा बाकी जड़ी कणक सारी चवाई है ओ दे पैसे भी जड़ा खाता सारा बंदा है रजिस्टर है लिख छोड़े है ठीक हो गया ते हमरा कमान दा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी बिस्मिल्लाह ओ माशाल्लाह मेरा सोना पुत्र हो हला बोर्ड ए जी बहुत शरारता करंदा इने ए सानू बहुत प्यारा है हां चोई साहब इको एक होया तो अथे प्यारा ता मोर साहब गैर ए सारी जदाद दा कौन बारे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदगर भाई की हाल है ठीक हो क्या हाल है जी दीदी साहब आवे दीदी जी मैं चले आ शहर हला ठीक है ना ते मेनू है थोड़ा जो काम हो अच्छा मैं उकार के मोड़ आ जाता बाप ठीक हो गया ते मौसम नाल ले जा मोड़ है मैं भी जाऊंगा मैं भी बाहर आ मेरा दिल नहीं करता शहर हो जे हाँ दीदी साहब बच्चे का जो दिल है ले जाओ चलो जावना है ना
ठीक है, जाने अपना ठीक आख दे टेंशन नाले ईद की शॉपिंग भी कर लो भाई जी हिसाब किताब सारा कर लिया ने कणका कुणका जेड़ियां चाहियां ने और बाकी फसल नहीं नहीं हुण मुंशी आया इधर गल कर रहे हैं ओ जी कर लेना जी मैं सारा कर लेता तू टेंशन ना लवो परेशान ना हो चलो ठीक है मोड़ा सी चले ओके पुत्र मुड़ जा आ जा ठीक है मोड़ा सी चले हां ठीक है अल्लाह दे वाले अल्लाह दे ठीक है चंगा चो हिसाब जांदा पै निक्का नाल थोड़ा शॉपिंग शॉपिंग भी कर लेती ए सानू बहुत प्यार है बहुत ढेर सारा प्यार है प्यारा वस नाल नहीं जी होना इको एक जी होया तो इको एक होया ਮੋੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋੜ ਕਿੰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਬਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀ ਜਮਾ ਕਰਾ ਛੋੜੇ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ ਫੈਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁੱਧਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਾਨ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂ ਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਤਲ ਨਾ ਕੋ ਸਾਰ ਜਾ ਸੀ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੀਅਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰਾਂ ਲੱਗੋ ਆ ਨਹੀਂ ਮੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੁਰਦਾਸ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਘਰ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਦੇਨ ਚੌਧਰੀ ਗਰੀਬਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਨਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ ਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 15,000 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਮੋੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਜ਼ਾਰ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਿਆ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 35,000 ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੁਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁ ਜੀ ਬਹੁ ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ ਮੋੜ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ 10,000 ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ 10,000 ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 10,000 ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਣ ਕਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 20,000 ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਸੇ 12,00,000 ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੱਗੇ ਰਹੋ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਧਾਰ ਮੁਧਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
पैसा फिलहाल है कोई नहीं। चाचा चौधरी साहब ना फजूल है, तुझे खपाया करो, एक फिर उन्होंने स्तंदा छोड़ा, पैसे कोई नहीं, मोड़ो शादी है शादी है शादी है, तो ऐसा करनी है शादी। हर कोई अपना आप नहीं भावे कि ये केड़ा चौक बनता है कि पैसे तुझे तनखा था सदे छोड़ी होगी। हाँ तो मुड़ कितू लई एडवांस? ओ जी मैं तनखा तू तो नहीं जी मंगता, मैंने तो तनखा जी मैं तो ले ली हुई है, मैं तो वैसे काम जी थोड़े को करने आज मैं वो शादी आई अज ते उसके बीवी मेरी जामना। ओ यार जा दिमाग खराब ना कर, इत्थों जा तू अगा ला गए ना मुड़ चौधरी, तू दिमाग खराब करने वाली गल आ गई। ओ भाई जाओ तुसी कोई नहीं उन्होंने को पैसा, मेहरबानी करो मुंशी साहब इन कर दो जावे मुड़ आवे, दो महीने तो होर जो तू कम करना है, दो महीने तो बाद मुड़ जाके तेन पेमेंट मिलनी है क्योंकि सानू पैसे पिछु मिल नहीं रहे। ओ चोई साहब एडे ना मिठे बने करो, जेड़ा ही आवे उन एडवांस दित्ती हम दे तनखावा पहले तुसा दे छोड़िया। अच्छा ओ 5 लाख मोड़ की कीता होता? ओ 5 लाख मैं बैंक च रखवाम ना ते खणा काले पैसे 3.5 लाख बैंक ते हुन पैसे पुसा ना दिवे किसे ने? नहीं नहीं कोई नहीं मिलदे किसे ने, तू जा ठीक है ना? ठीक है चोई साहब। हुन ताऊ तंदूरी मुंशी एडा सख्त आप ही सख्त कोई नी पैसा मेहरबानी करो इंज आख्या इन्हें तो मजबूरी का ही ना दसी दसी मजबूरी में कहो जो मेरी औरत दे पेक्यां दी शादी है मगर इस तो बाद मजबूरी केड़ी हंदी। आय कमाल है भाई तू सारा दे उना दा धंधा करे ना आए ते गरीब बंदे दी इतनी भी औकात कोई नहीं भाई, ओखे वेले कोई चीज मंगे तो काम आ जावे साडे। अरे दस मेरा कोई कसूर है? मैं तेनु आख्या ही ना और मेरी उल्टा है बिजती है ते बिजती होमनी है नीवा का नहीं ता नहीं होमया टूटू है ना मैं उन्ना कोल पैसे मंग दिया जाके। खैर ता आई तू कटूर ना मैं पैसे बंदे बैठे ना दे रहा है बंदे बैठे हो मैं तो बैठे हो मैं नो मैं उन दो सुना के हम समय मेरा गाल वाला तेरा गाल काम नहीं करेंदा। ओ नहीं अल्लाह दे बंदिया ना इन करी आईओ ते या जे यार ना गल्ला ऐसे तू तो ये बंदे जे ना सेल ते चाल के बह जांदे नो ओनु ना तनखा ता पूरी दित्ती होई है हुन सिर ते किवें मैं हुन एडवांस अगले ना देवे ते मैं हुन की हो तेरे डांग मार छोड़ा ਡਾਂਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਤੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਆਨੇ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੱਖ ਟੁੱਟੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ पैसे दिते कोई ना पैसे कोई नहीं सु दिते मैं तो बड़े काम कार करके आंदा चेक देना पैसे हो तो मुंशी ते होर आले मिले ओ मुंशी भी टाला वाला कार छड़े दंदा मुंशी तो दा ही बने होया है ना हुन आज मोड़ जाने आज मोड़ देने मजबूरी मैं तो बड़ी है मैं तो लाज में जावना काम हो बस तो ना मैं तो ना दितो तो बात आज छाड़ के भाग जावना हां बाजे आज पैसे लेन से हल्के जाने बला का तुम्हें खड़े रहवे खड़े रहे ਔਰ ਹਟਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੈਣ ਓਏ ਹਾਲ ਓਏ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨ ਕੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜਿਆ ਗਾ ਅਗਾ ਬਾਜਿਆ ਅਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਜ ਕੋਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ
ਸ਼ਾਹ ਜਾਓ ਆ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲੋ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਐ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਓ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੋੜੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਆ ਕੀੜੀ ਚੋ ਬਾਓ ਲੈ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਯਾ ਡਰਾ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁੱਗੇ ਚੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਇਕਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਨੇ 20 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਇਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ ਇਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਭੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਕਿਤਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ 10 ਮੋੜ ਔਰ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਪੈਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਛੋੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਐ ਨੋ ਬਾਈ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੁੜ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਸੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਡੈਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੈਮ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਬਾਜਿਆ ਸਵਾਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੜਾ ਰੰਨ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮੋਹ ਗਏ ਸਵਾਣੀ ਭੋਂ ਢੇਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੋ ਰਾਲੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕਮਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਪਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਠੀ ਹੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੰਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੰਨ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈਂ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁੜ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਲੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਾਵੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਭਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਖਾ ਲੈ ਕਰੇ
ठीक है ना, लाख रुपये तक मैं ना 2 लाख भी लगता दे पक्का पीड़ा थोड़ा दिल आ गया। बस तू पूछना हसदा तो मैं कभी वेख्या कोई ना, पग ही थोड़ी सारी नीवी हो गई। मैंने तो उसे खाब के ख्याल आते पैन दिल से ठप्पा लगा ठा करके लगी आए है। बस उस सब काम हो जाता तो हूँ जितने जामना कैंसल कर दे प्रोग्राम वो कैंसल कर वो बलान मगरू ला एक कर बस। अच्छा हाँ हम करने हाँ। किसी बहाने मैं आपे कर लेना मैं लाहौर कर लेना है मिठाई का डब्बा लै भी जाए ठीक है ना। हाँ जी लै और लैके जाना जो सब तुम बिल्कुल लट्टू हो गए बस जो काम आखे ना मिठाई का डब्बा तो सूट वगैरह की ऑफर भी देवे थोड़ जा। अच्छा ठीक है चौथा में लग गया पता ठीक हो गया हाय काश बोली उठे भाई है तो चौधरी जी चुप हो गई उठाई मैं सही आती है मैं ना तेरे बिनाल जानी है की कल लग गो यार गल्ला जरी नू जक्की गोत मंदा जरी जकदा ते जकया क्यों है असी उना ने थल्ले लाग जा भी हड्डू इन्ना नाल उच्चा ना बुलीवे ते देंदे ने चौधरीयां ते आपे गाल एन के ओ वडे रडे बंदे नो वडे बाबा चाचा हां जी मुंशी साहब जी खैर है जी खुश हो ना पैसे हूँ ठीक है नहीं जी नहीं हूँ खुश हैं जी जी है जी है जी चौधरी साहब गले आए मैंने हुकुम जी ओ नंदा एक दोस्त थे जिद्दी थे चौधरी थे है इको पोत्र जी हाँ 8-9 साल का है मोहसिन। अच्छा तो उन्होंने लैके वग गया ही लाहौर। हाँ जी ओदी हो गई तबीयत खराब तो सुबह उस जाना है स्कूल चलो सुबह दी तो हो जासी छुट्टी उन्हों जी हाँ तो चौधरी आंदा पे अगर तो उन्होंने लाहौर लै आवे ना मेरे पुत्र नु जी वर्गी गल ही कर बस ठीक है ना तैयारी करके आ जाओ कल छड़ के आज तुम शामी उत्थे पहुंच जावे जी हां ते कल दा दिन उत्थे रवे ते फिर सुठवार नु लैके ना ते सीधा डेरे ते आ जावे ठीक है जी ठीक है जी ठीक बस तू तैयारी करके आ जा ते किराया मेरे कोल ना ले जा ठीक है जी ठीक है ठीक है जी मेहरबानी जी वाग जा ते और कौन हुंदा ने घर कोने असी तो अम्मीयां बीवियां जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक हाँ जी मैं मुड़ देना तेनू किराया है। अच्छा जी ठीक है इस पर मगी दो त्रै जाने तुम्हें लग जाएंगे क्यों ओ हूँ लाहौर जामना और मैं किवे सा दाड़ी हट सकना मैं अला कोशिश करी ना काल ताई वापस आ जावे मैं गावे च कल ही नहीं वदी होई मैं तो सारी रात वैसे ही नींद काई नहीं आवाई ओ तो मैं कदी रात बाहर नहीं रहा तू तो सच्ची है इस गल्लू पर हूँ मजबूरी है तेन पता उन्हें पैसे भी दिते तो ये उन्होंने काम है निका जो उन्होंने छोर है वाकई आए उन्होंने पता तो है भैया दो मियाँ बीवी हैं तो इतों के काम लै लै कर इन खान ਐਡਾ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਸਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਾ ਮੋ ਲਈ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਾ ਲਈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਆਵਣਾ ਦੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਰੇ ਕਾਸ਼ਾ ਬੱਚੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ठीक है मैं जामना हुने हुने स्कूलू जामना पे मैं सुबह अला सुबह वापस आ जावा चलो खैर ना जा वो ते जल्दी वापस आवे हां मैं आ जासा खैर इंशाल्लाह क्या कि मैं बाहर शहर का ना निकले मैं कदी गई भी हां ओ मैं लगदा गा वाग गया तो मोबाइल भी थाई भूल गया है हुन मैं अब तक कोई शायद करी सा एडा ए कोई मेरा घर वाला भुलक्खा वे ना भाई शायद ओए एनु याद नहीं रहंदी हमेशा बोल के जांदा ओ निम्मू सदेन दी पिछू पिछू सदा ही नहीं चाहिदा जांदे बंदे नु पिया रवे फोन मैं बाकी दे भी बाले उता जो ही लमा ओ नो वे कोई ओ भी चाल हो साडे तो साहब ओ तो हुण अद्धी पद्दी च पहुंच गए होणा है हला मोड़ जेनु लाहौर गले आई से ते आ हुण तुहानू छड्ड आवां ते घर ओए मैं थर जावां हे गल आई हां जिद्दी बिरान नु पता लग गया ना ते कम सारा खराब हो जावणा है जिद्दी बिरान किवें पता लगणा चोई साहब जिद्दी बिरान पर तो तोडे उद्दे लाहौर। अच्छा हां उद्दे तो असा फोन ही कोई नहीं कीता मोड़ चल हां देर के आ जावणो कल्ली होवणी है घर हां ते अगा हुण अपने सारी दिल दी गल कर लेवे देख मैं सुन लगदा पिया बहुत सुन लगदा पिया थोड़ी जी होर सी निकाल लो आ जा
एक कर खलो क्यों इतने वेखो ये तबूत सोया खलोता होने ना लो ये तो मतलब दिल नू प्यार होया तानू हां आ जी तो सब नंदा घर ओके वदे हो ओ आ गए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तू ढेर सोने लगती है ए की कर दे पायो नहीं ओ मैं वेंदा ही के हाथ चोर सोने हैं तेरे खबरदार मेनू हाथ ले ओई का अ पाग शाग तेरी जावी है ना मैं डा फा दिखाऊं वेख मैं चौधरी हां चौधरी है तो की ते चार घात लवा चौधरी है अच्छा गुस्सा ठाडा घर है तेनु पता नहीं मैं मरद घर कोई नहीं तो मेरे घर आ गया गल तो सुन कुछ नहीं गल और नहीं है मैं तो जेडी तुम्हारी तनख्वाह है ना वधावन आया है घर ठीक है ना हाथ ले आई ना मुठ्ठा कोट के रख दिसा अब बखैरत इंसान आ चौधरी आसे ते घर आसे मैं हया तो हाथ लावा नहीं मैं जुरत की मैं कीती है मैं तो जानदा ना मैं ना औरता विच नहीं आ रहे हाथ फदैनिया वदियों दिया नो इधर जुत्ते पाओ ना तो तशरीफ दा टोका ले जाओ आप डेरे ते मुकद्दस फोन ही कट माली है मेरे दी थाई भी सिर गया आई मैं भी अब कही अपने आदमी हम फोन बोल के गया था मैं लगता है तू सीधे तू हट के आए हो और मैं फोन ना लगा तो फिर मैं रابطہ क्यों करना है फोन पे आने और आए कर चौधरी आल जाना हैं एक बार मैं चौधरी को जा चल मेरे नाल आ चल हां गलती हो गई है जीवन की रन ही हाँ कोई जरा दिमाग ऐसा खराब होया मेरा ते दिल उस बेमान हो गया अच्छा मैं उन्हें तो गया घर जी सवानी है उस बड़ी बेइज्जती की मेरी ते तू हाँ बेइज्जती दे काबल हो तू उत्थे लैन की गया तैनू जो पता है वो साडे नौकर ते बहु अच्छे ने गरीबड़े जे हैं लेकिन बगैरत नहीं है विराग कुछ भी कर एक मेरी जी इज्जत की तबाही होंगी है कुछ कर ताकि इस सिलसिला विच दफन हो जाए हालां टुरे ना गा जेड़ा तू चन्न झाड़ी खड़ा है गल सुन मेरी जेड़ा तू ये हरकत की बैठा है ना ते जीमन खान भी आमना तो है हाँ ठीक है ना ये पता है बंदे की किन्नी बदनामी होंगी पग का संभाल भरा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जीमन खान की हाल है ठीक है बह जा मैं ठीक हां जी नहीं बहु की आज बड़ा परेशान जिया है गल है जी ठीक है मैं तो मुलाजम मगर तो मैं जी गल दसा दसो यार अफसोस मैं लगता पिया आ जड़ा तेरा बिरा है एक की वड्डा जी हाँ की है इस वड्डे का काम है मैं दसो जी होया की है दसो तो सही सारी गल मैं तेन दस देना दसो को मैनू ही पता लगे जड़िया मेरे बेहयात बेशरम बीवी है
इन्हां ते एदा दोवां दा तल्लाकात आई। अच्छा, इन्हां दोवां प्लान नाल मैनूं लाहौर घल्या, उस वी ते इस वी। अच्छा, आखिरी मैं सद मारिया तेरा विराज साहब जुत्ती उठाई विसार के आया, इस मैं नहीं दसिया बे आया है, मेरे को बैठा रहा है, आयो दी जुत्ती पाई है, जुत्ती तो मैं वेखी तो ख्याल शुदी का कोई ना, बिल्कुल तो ये बिल्कुल मेरी ये सीधी साधी जी औरत है, बहुत अच्छी औरत है। जीमन खान गाल लेन जे इसका बेहयाई कर लई है, ठीक है ना, जिहड़ी तेरी औरत है ना वह बहु चंगी तो बहु शरीफ औरत है, ओदे वर्गी औरत नहीं है इस इलाके पूरे च, बहु शरीफ औरत है, हरकत इस की है, ये गया वो घर वो बगैरत नहीं है, वह बहु शरीफ सवाणी है, गल समझना है, जुत्ती यदि उठा ही लत्थी पई है, जुत्ती तो यदि लत्थी पई है ना, ये जो वो घर गया तेरे घर ये गया। विरा गल इस तरह जीवन, मैं ते तुहाडे तो पहले मंगना माफी, तेरी सवाणी सब तू ज़्यादा शरीफ औरत है, लेकिन मैं थोड़ा गलत थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत वड्डा गुनहगार हाँ, तो मैं माफ़ी चाहना, तो मैंने माफ़ कर दियो, बगैरत मैं आ तेरी रन बगैरत नहीं है, वो बड़ी शरीफ उस मेरी बेइज्जती की है, मैं उन्होंने हाथ लाया पहले, तेरी सवाणी वर्गी कोई रन होनी कोई नहीं, बहुत निहायत शरीफ है, मैं इस तुम मुआजरा चाहना तू मैं माफ़ कर दे, ते आज तू जरा ना आंदा कोई भी गलती मेरे तो ना हो सी, जिन्या भी सवानियां हैं सारिया मेरी धिया बहन हैं, ठीक है, तो हूँ दी माफ़ी दियो, तो मेरी इज्जत रख दियो, थोड़ी मेहनत करेंदा, ठीक है ना, आने तेरे पौ भी नपना, नहीं 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 चल सर, नहीं चल सर, ते आज दी मैंने माफ़ी दे दियो बस, हूँ आंदा गलती ना करे सा, सुबह तो बोलिया शामी घर आ जावे ना जी, तो उन्होंने असी माफ असा माफ किया चौधरी साहब, बाकी मैंने बीवी अपनी तो शक आई, मगर वाकई मेरी बीवी नहीं नहीं, तेरी समान जी बड़ी शरीफ है, गलती मेरी कसूर मेरा है, इन वेंदे सार बस दिमाग ते शैतान शवा मेरे सवार होया, तो मोट जरा दिल कुछ हलचला पैदा होया, मैं इस बेईमान हो गया है, असल गल ए जीवन खान मैं तेन दस लगी हूँ, पर मैं खुद दिच नहीं डाल गई हम, तो तेन दस नहीं सकी, मैंने इतबार आ गया जब खुद अगले आख छड़िया बतेरी सवाणी बहु शरीफ है, मैंने तो इतने इतबार आ गया मेरे सवाणी वाकया है शरीफ जी, हो गया चो सब काम जोई साहब ने चल चलो तेरे चाहिए जोई साहब ने जी है कितना सी जी मैं रोशनी पांदे ने जी, तो आप लोग अक्सर मुझे टिकटॉक पे देखते हैं 5 star 906 अभी इंशाल्लाह मैंने पक्का पक्का इनके साथ ही रहना, ओके, तो ये प्यारे भाई मोहतरम बुजुर्ग बच्चे जो सानू वेख रहे ने जिन्हें साडी स्टोरी वेखी है वेख लवो जी कि जो वड्डा बंदा हुंदा है ना उसने इतना वेखना चाहिए भी इस औरत की हो जाई है और की हो जाए नहीं, क्योंकि एक शरीफ औरत है तो शरीफ मतलब ठीक है तो तेरे सिर पर शैतान सवार हो गया, मगर नहीं गरीब की भी इज्जत होंगी गरीब की भी गैरत होंगी, इतना ही सोच लिया करो भाई यार तुसी अमीर हो गरीबन वेखो गरीब की बड़ी बड़ी इज्जत होंगी, जो जी अमीर की इज्जत होंगी उस तरीके गरीब की इज्जत होंगी, तो मेहरबानी की करो जनाब ये जे काम तू बाकी साड़े जी तीन ही चैनल मुकद्दस मलिक ऑफिशियल जीवन मलंगी ऑफिशियल
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਅਲੀ ਵਲੌਗ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।